तो है गाइस, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बनी गर्ल सेंपाई का एपिसोड नंबर 5। तो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे जो मे होती है वो बोल रही होती है कि अच्छा तो मुझे पूरी बात समझ आ गई, एक हाई स्कूल गर्ल रहना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, और मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो और तुम उसकी मदद क्यों करना चाहते हो। तभी जो साकुता होता है वो बोलने लग जाता है, मेरी जो बहन कादे है वो भी इन्हीं सब रीजंस की वजह से स्कूल जाना बंद कर दिया है, और मैं नहीं चाहता कि जो तुम है वो भी इन्हीं सब रीजंस की वजह से स्कूल जाना बंद कर दे और बाहर निकलना भी बंद कर दे। और ये सब सुनने के बाद जो यहाँ पे मैं होती है वो बोलती है कि अगर तुम ऐसे अपनी बहन की वजह से कर रहे हो तो मैं एग्री कर लेती हूँ इन बातों पर। जो सुनने के बाद जो यहाँ पर साकुता होता है वो उसको काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया कहने लग जाता है। पर लेकिन तभी जो होती है वो बोलती है कि पर लेकिन मैं इन सब चीज़ों को इतना आसानी से जाने नहीं दूंगी। पर लेकिन ये सुनने के बाद जो साकुता है वो बोलने लग जाता है तो क्या तुम चाहती क्या हो, मैं करूं क्या। पर लेकिन तभी जो मैं वो बोलने लग जाती है एटलीस्ट तुम्हें इतना तो पता रहना ही चाहिए। तो फिर जो साकुता होता है वो क्या करता है, उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है मैं की तरफ, जो देख के मैं उसके चेहरे पर एक लात मार देती है और उसको बोलती है कि ऐसे गंदी हरकतें ना करने के लिए। और जो साकुता होता है वो फिर बोलता है कि तो फिर कैसा रहेगा अगर हम संडे को एक डेट पर जाए। तो फिर जो मैं वो बोलने लग जाती है कल से मेरे ड्रामा के फिल्मिंग शुरू होने वाली है इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाली हूँ। और फिर वो साकुता को एक ड्रेस देती है और जो साकुता है वो उस ड्रेस को देख के बोलने लग जाता है अच्छा ये तुम्हारी एक ड्रेस है और तुम चाहती हो कि मैं तुम जब यहाँ पे नहा रहा हूँ इसके सब्टीट्यूट के तौर पे इसका यूज़ करूँ। और वो उसको सूंघने भी लग जाता है, जो देख के यहाँ पे मैं बोलने लग जाती है ये तुम्हारी बहन के लिए है, वो अभी 15 साल के होने वाली है इस साल में, तो अगर वो अच्छे कपड़े पहनेगी तो हो सकता है उसको घर के बाहर जाने का मन हो। जो सुन के साकुता भी काफ़ी खुश होता है क्योंकि जो मैं है वो उसके बहन के बारे में सोच रही होती है। और तभी हमें कादे को दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़े होकर इन सब की बातें सुन रही होती है। पर लेकिन तभी गेट खुलता है और जो साकुता होता है वो उससे पूछने लग जाता है आखिर वो कर क्या रही है। पर तभी जो कादे है वो उसको बताने लग जाती है कि वो बस एक निंजा बनने की ट्राई कर रही थी। उसके बाद जो साकुता होता है वो कादे को वही ड्रेस देता है जो कि मे ने दिया था, और उस ड्रेस को पहनने के बाद जो कादे होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और यहाँ तक कि वो मे से बात भी करती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो साकुता होता है वो कादे को मतलब मे के साथ बाहर होता है घर के, जहाँ पे वो उसको मतलब बोल रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि जो कादे है उसने पहली बार किसी स्ट्रेंजर से बात की है उसके अलावा। और ये सुनने के बाद जो मे होती है वो भी काफ़ी खुश होती है। फिर जो मे होती है वो तुम्हें के बारे में पूछती है, तो फिर ये सुनने के बाद साकुता उससे बोलने लग जाता है कि उसका जो दिल है वो बस मे को पसंद करता है और किसी लड़की को नहीं। ये सुनने के बाद जो मे होती है वो बोलने लग जाती है तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, और वहाँ से वो चले जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो साकुता होता है वो अपने वर्क प्लेस में होता है और वो युमा से मतलब उसी लड़के के बारे में पूछता है बास्केटबॉल क्लब वाले। तो फिर जो युमा है वो उसको बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसको उसने डंप कर दिया अभी कुछ समय पहले ही, और यहाँ पे वो थर्ड ईयर में थी दूसरे स्कूल से। और यार जो ये सुनने के बाद साकुता होता है वो बोलता है कि मुझे उसकी और भी खबर ला के देना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उससे और भी ज़्यादा हेट करूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो साकुता और तुम्हे होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर जाते हैं, जहाँ पर जो साकुता होता है वो तुम्हे की तारीफ भी करता है। और उसके बाद जो तुम्हे होती है वो साकुता से उसकी आईडी मांगती है, व्हाट्सएप आईडी या फिर जो भी समझ लो। और तो ये सुनने के बाद जो साकुता होता है वो उसको बताता है कि उसके पास कोई भी फ़ोन नहीं है। तो ये सुनने के बाद तुम्हें बोलने लग जाती है आखिर तुम बिना स्मार्टफोन के ज़िंदा कैसे हो। और जब वो लोग ट्रेन में होते हैं जो तुम्हें है वो उसको बताती है कि वो कल पिछली रात 2 बजे तक जगी थी और अपने जो ग्रुप चैट है उसमें बात कर रही थी दोस्तों के साथ, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो सजेस्ट किया था जिस वजह से वो उसी को देख रही थी पूरी रात, और अगर वो उसको नहीं देखती तो फिर वो अगले दिन के जो कॉन्वर्सेशन होने वाली है उसके दोस्तों के साथ उसमें उनके साथ ज्वाइन नहीं कर पाती। और ये सब सुनने के बाद जो साकुता होता है वो उसको पता चलता है कि जो तुम्हें है वो हमेशा इसी बारे में सोचती रहती है कि जो उसके दोस्त हैं वो उसके बारे में क्या कहेंगे। और उसके बाद हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो तुम्हें है वो अपनी एक मिडिल स्कूल की फ़ोटो दिखाती है और बोलती है कि मैं कितनी ज़्यादा अगली दिखती थी और कितनी ज़्यादा बेकार दिखती थी, पर लेकिन फिर मैंने अपने फैशन और मेकअप में सुधार लाया और अभी मैं थोड़ा सा ठीक ठाक दिखती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ज़िंदगी है वो ऐसे ही चलता रहे और कोई मेरे दिक्कत ना हो। और ये सुनने के बाद जो साकुता होता है वो उसको बोलने लग जाता है मुझे लगता है कि तुम जैसी हो वो वैसे ही तुम अच्छी हो, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारे जो दोस्त हैं वो या फिर बाकी के लोग वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें जैसा ज़िंदगी जीना है अपना तुम्हें वैसे ही जीना चाहिए। और तभी जो साकुता की नज़र होती है वो तुम के एक फ्रेंड के ऊपर जाती है जो कि बीच में कुछ ढूंढ रही थी, और उसके बाद वो लोग उसके पास जाते हैं तो फिर उसको पता चलता है कि वो उसका एक जेलीफिश का जो कीचेन है वो गुम हो चुका है। और उसके बाद वो दोनों उसकी मदद करने लग जाते हैं जहाँ पे जो तुम्हें उसको वो मिल जाता है, पर लेकिन इस चक्कर में वो पानी में ही पूरी गीली हो जाती है।
फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो तोमोए है वो बिस्तर में पड़ी होती है स्कूल में, क्योंकि उसको काफ़ी ठंड लगी थी। और उसको विजिट करने के लिए जो सकुता होता है वो भी आता है और उसके लिए फ्रोजन फ्रूट्स भी लेकर आता है। और जो सकुता होता है वो उसको ये भी बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस है और वो मतलब कुछ ज़्यादा ही वो कर मतलब एग्जैचुरेट करती है बातों को। तो ये सुनने के बाद जो तोमोए है वो बताने लग जाती है, अगर आप क्या करते हैं मेरी जगह, आप अगर आप होते और लोग आपको देख के आपका मजाक उड़ाते। तो ये सुनने के बाद जो सकुता होता है वो बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, जिसका जो मन है वो खुद करे, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते रहता। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है जो तोमोए होती है। और उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो तोमोए होती है वो सकुता के क्लास में आई होती है उसको एक थैंक यू गिफ्ट देने के लिए। और उसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक करते हैं और यहाँ पे इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। और हमें पार्ट टाइम जॉब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो तोमोए है वो सकुता से उसकी गर्लफ्रेंड मी के बारे में पूछता है। तो फिर जो सकुता होता है वो उसको बताता है कि हाँ मैंने तो उससे परमिशन ले ली थी तुम उसे डेट करने के लिए और उसने मेरे को अलाउ कर दिया था। ये सुन के तोमोए बोलने लग जाती है, क्या आप मेरे से मजाक कर रहे हैं, वैसे क्या उन्होंने आपको आई लव यू बोल दिया है? तो फिर ये सुनने के बाद जो सकुता है वो बोलने लग जाता है, नहीं वैसे उसने डायरेक्टली तो नहीं बोला है बट इनडायरेक्टली उसने कह रखा है और नेक्स्ट टाइम मैं जब उससे मिलूंगा तब मैं उससे बुलवा लूंगा बहुत ही जल्द। और उसके बाद हमें वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सकुता के उसके घर में दिखाया जाता है जहाँ पे वो मे से बात कर रहा होता है, जहाँ पे जो मे होती है वो उसको बताती है कि उसका जो फिल्मिंग का काम है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और वो वहाँ पे बहुत जल्द वापस आ जाएगी। और वो तोमोए के बारे में भी पूछती है पर जो सकुता होता है वो मतलब कुछ बता ही नहीं पा रहा होता है उसको। और उसके बाद हमें वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और 5 जुलाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फुताबा होती है वो अपने लैब में होती है, पर लेकिन तभी वहाँ पे यूमा आ जाता है जिसको देख के जो फुताबा होती है वो शुरुआत में थोड़ी घबरा जाती है। और उसके बाद जो यूमा होता है वो उससे पूछता है कि ये सकुता कहाँ पर है। तो फिर जो फुताबा होती है वो उसको बताती है कि वो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट लड़की के पास ही है अभी भी, पर लेकिन तभी वहाँ पे गेट खुलते हुए सकुता अंदर आ जाता है और फिर वो खुद चुपचाप खड़े होकर सब चीज़ें देखता है और वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना डिस्टर्ब करने के लिए और फिर वो बंद करके जाने वाला होता है। पर लेकिन तभी जो गेट खुलता है और जो फुताबा होती है वो एकदम से सकुता का कलर पकड़ लेती है और वो उसे बोलने लग जाती है, क्या तुम पागल हो चुके हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, और अगर उसको आइडिया होगा कि मैं मेरा उस पर क्रश है तो फिर मैं क्या करूँगी। तो फिर ये सुनने के बाद जो सकुता होता है वो बोलने लग जाता है, अगर उसको पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा, वैसे भी वो तुम उसको काफ़ी टाइम से पसंद करती हो, कम से कम उसको पता तो चलेगा। और तभी जो यूमा होता है वो बोलने लग जाता है, देखने से लगता है तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पे फिर जो सकुता होता है वो फुताबा से बताने लग जाते हैं कि कैसे जो तोमोए है वो एकदम अभी ठीक है और जो दिन है वो वापस से रिपीट नहीं हो रहे। तो फिर फुताबा बोलती है कि इसका मतलब यह है कि वो अपने जो करंट सिचुएशन है उसमें बिल्कुल सेटिस्फाइड है। और उसके बाद जो सकुता होता है वो क्लासरूम से मतलब लैब से बाहर निकल जाता है, पर लेकिन तभी वो अपने सामने कामिसातो को देखता है जो कि यूमा की गर्लफ्रेंड है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों रूफटॉप में होते हैं जहाँ पे जो कामिसातो होती है वो बोल रही होती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि यूमा के पास मत जाना और ना ही उससे बात करना, और वैसे वो लैब वाली लड़की कौन थी जिससे कि जो यूमा है वो आजकल बात कर रहा है। तो फिर ये सुनने के बाद जो सकुता होता है वो बोलने लग जाता है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड ना, तुम उससे जाके खुद ही क्यों नहीं पूछ लेती। तो फिर ये सुनने के बाद जो सकुता होता है वो मतलब कामिसातो होती है वो बोलने लग जाती है कि तुम उसके दोस्त हो ना, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए और बता कि नहीं रहे मेरे को। तो फिर जो सकुता होता है वो बोलने लग जाता है, तुम इतनी ज़्यादा इरिटेटेड क्यों हो, क्या तुम कॉन्स्टिपेटेड हो, और अगर आपको कॉन्स्टिपेटेड का मतलब नहीं पता तो यार गूगल कर लो, काफ़ी ख़तरनाक मीनिंग है। और उसके बाद ये सुनने के बाद जो कामिसातो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसको मरने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब में जो सकुता है वो यूमा से बोलता है कि हे तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो वापस से मेरे से फाइट कर रही है, मतलब क्या बोला जाए, तुम मेरे को चुन लो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को चुन लो, मतलब मैं उससे परेशान हो चुका हूँ। जो सुनने के बाद यूमा उससे बोलने लग जाता है, मैं उससे बात करूंगा आज रात को। तभी जो यूमा होता है वो बताने लग जाता है तोमोए के बारे में कुछ रूमर्स हैं जो कि फैले जा रहे हैं अभी के टाइम में, और वो और कहीं से नहीं बास्केटबॉल क्लब से फैसले ले रहे हैं, जो ऐसा कि तुम जानते हो ये और कोई नहीं योस्के सेंपाई कर रहा होगा। और वो रूमर्स ये होते हैं कि जो तोमोए है वो लड़कों से डेट इसलिए करती है क्योंकि वो सब चीज़ें करना चाहती है, समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद जो यहाँ पे सकुता होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब सकुता घर जा रहा होता है वहाँ पे, तभी वो फुताबा से मिलता है और फुताबा से वो कुछ देर बात करने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या अगर वो किसी एथलेटिक से फाइट करेगा तो उसके जीतने के चांसेस क्या हैं। तो फिर जो फुताबा होती है वो बोलती है कि किसको पता, और मैं इतना तो जानती हूँ कि जो ह्यूमंस है वो एकदम बंदर की तरह होते हैं, वो जितना ज़्यादा अपने ब्रेन का यूज़ करेंगे मतलब उतना ही ज़्यादा काम होगा उनका।
और तभी जो उसके बाद साकुता होता है वो घर आ जाता है, और यहाँ पे उसका जो फ़ोन होता है उसमें एक मैसेज आया होता है जहाँ पे जो मे है वो बोल रही होती है कि वो बहुत ही जल्द घर आने वाली है क्योंकि उसका जो शूटिंग है वो बहुत मतलब थोड़ा सा बाकी है। और ये सुनने के बाद जो यहाँ साकुता होता है वो काफ़ी खुश होता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो तोमोया होती है वो अकेले घर जा रही होती है, और क्योंकि जो उसके दोस्त हैं वो उसके साथ और जा नहीं रहे होते हैं और वो मतलब अपने में ही बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे फिर हमें रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग तोमोय के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर लेकिन तभी जो वहाँ पे साकुता है वो वहाँ पे आके उससे बात करने लग जाता है, पर लेकिन तभी वहाँ पे योस के सेंपाई आ जाते हैं, हाँ, और वो हंसने लग जाते हैं। लगता है कि आने वाले 5 साल तुम्हारे लिए काफ़ी मतलब बेकार जाने वाले हैं। जो देखने के बाद जो साकुता होता है वो एकदम से हंसने लग जाता है, तो फिर वो सीनियर बोलने लग जाता है आखिर तुम हंस क्यों रहे हो और क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो फिर साकुता बोलता है कि मैं तुमसे मैस नहीं कर रहा, मैं बस तुम पर अभी भी हंस रहा हूँ। तो फिर ये सुनने के बाद जो वो सीनियर होता है वो उस साकुता को एक घुसा मार देता है, और यहाँ पे तभी जो साकुता है वो एकदम उठने के बाद एक बॉक्सिंग की तरह मतलब करने लग जाता है, भाई एकदम टैलेंटेड बंदा है, और सीधा जाके वो एक लात दे देता है। जो देखने के बाद वो सीनियर बोलने लग जाता है ये तो चीटिंग कर रहे हो तुम, एकदम अनफेयर है, पर लेकिन तभी जो साकुता है वो उसके मुँह पर एक लात दर देता है और बोलता है कि अपना चेहरा धो लेना क्योंकि मैंने पिछले दिन टट्टी पर पैर रख दिया था और मैंने अपने जूतों को भी नहीं धोया। जो देखने के बाद यहाँ पर आसपास के जो लोग होते हैं वो भी हंसने लग जाते हैं, और यहाँ पर वो सीनियर का बेइज्जती बहुत गंदा वाला हो जाता है। और तभी जो साकुता होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने अब तक तुम्हें के साथ ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया है, मैं अभी भी एक वर्जिन हूँ। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से भागते हुए चले जाता है तोमोय के साथ, और जाते समय वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। और फिर वो लोग बीच में आ जाते हैं जहाँ पे जो तोमोय होती है वो बोलने लग जाती है मेरे को एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं आपकी एक रियल गर्लफ्रेंड हूँ। नॉर्मली कोई भी बंदा एक फेक गर्लफ्रेंड के लिए इतना कुछ नहीं करेगा, पर लेकिन तभी उसके फ़ोन में रीना का मैसेज आता है जो कि लिखती है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है योस के सेंपाई से। जो सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मज़े लेते हैं, और उसके बाद जो तोमोय होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करते हुए एकदम मतलब बोलती है कि वो अभी भी एक वर्जिन है और उसने अब तक कुछ भी नहीं किया वैसा सब। जो सुनने के बाद जो साकुता होता है वो एकदम हंसने लग जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें सही में लगा कि मैंने उन रूमर्स में विश्वास कर लिया है, तुमने खुद ही एक बार कहा था कि तुम्हारे पास इसके पहले कभी बॉयफ्रेंड नहीं था। उसके बाद जो तुम्हें होती है वो बोलने लग जाती है क्या ऐसा कोई वे है जिससे कि मैं आपको पे बैक कर सकती हूँ इन सब चीज़ों के लिए। और तभी जो साकुता होता है वो बोलने लग जाता है जब ये सब जो झूठ है वो खत्म हो जाए तब क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। तो ये सुनने के बाद जो तुम्हें होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, पर लेकिन तभी वो बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो इसलिए मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाऊंगी। और उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें तुम्हें को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में होती है, और यहाँ पे वो मे की एड्स देख रही होती है, और उसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। और इसी तरीके से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेवनारा।